मैं आपको इस वीडियो में एक अमेजिंग आयुर्वेदिक फ्रूट के बारे में बताऊंगा जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ होता है फॉर ट्रेडिशनल जिसके बहुत ट्रेडिशनल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं और ऑल्सो यूज इन मॉडर्न कॉस्मेटिक्स और ए पोटेंशियल फॉर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द स्किन हेयर नेल्स में भी ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसके जो हैं इसका आयुर्वेद में हरतिकी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और इसके अदर नेम्स हैं हरर और हेड़ा करके भी इसको बोला जाता है। और इसके जो है यह जो है मेन कंपोनेंट त्रिफला का है, फॉर्मुलेशंस का एक कंपोनेंट है। उसमें जैसे आप तो जानते होंगे बहेड़ा और आंवला के अलावा ये मुख्य होता है हेड़ा। इसके वो कहते हैं ब्लैक मैरोब्लिन भी के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। और इस पर इसको किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा गया आयुर्वेद में क्योंकि इसके जो हैं मल्टीपल जो है हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द हेयर लॉस एंड प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी आयरन मैंगनीज एंड सेलेनियम कॉपर जो एलिमेंट्स ये होते हैं प्रोवाइड ऑप्टिमल न्यूरिशमेंट टू द स्केल। स्केल को जो हेयर में बालों में होते हैं उसको ये न्यूरिश इसको हटा देता है और हेयर फॉल को भी रोकता है और न्यूरिशमेंट मिलता है काफ़ी बालों को। इसके हरड के जो है अन्य आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंट गुण हैं जैसे रुक्स ड्राई और डीपन एपिडाइजर प्रॉपर्टी होती है इसमें। मेदा जिसको बोला जाएगा बोला जाता है आयुर्वेद में इंटेलिजेंस इम्प्रूविंग प्रॉपर्टी होती है, रसायन रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एंड हर्ड की जो है स्पेशली एक बेनिफिशियल आइज़ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि है और जो कि क्या कहते हैं चक्षु वीकनेस ऑफ ड्यू टू द आँखों की जो में जो कमी हो जाती है देखने की उसको जो है चक्षु जो है गुड फॉर द आइज़ जो चक्षु को प्रमोटिंग शक्ति देने के लिए जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है और ब्रहण इसको हेल्थ इम्प्रूव करने की भी प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मल्टीपल इसके जो हैं हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे बॉडी आग को भी कम करता है, ये शरीर में दर्द हो रहा है तो इसके लिए क्योंकि इसमें बात अनुलोमन या बात बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, वायु को जो है कम करता है। फिर हरती के यूज़फुल इन रिड्यूसिंग कफ एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक ब्रेथ सफोकेशन यदि होने लगे कफ बढ़ने से तो उसमें भी बहुत ही यूज़फुल है। और इसको क्योंकि ये जो है एक पित्त को भी बैलेंसिंग इसकी प्रॉपर्टी है। और आयल इसका जो होता है हरड़ का जो हेड़ा या हरती के यदि सीड से आयल निकाला जाए और मिक्स विद कोकोनट आयल तो ये उन्स को भी काफ़ी वो जो है हील करता है बहुत जल्दी क्योंकि इसमें एस्ट्रोजेंस इसकी जो प्रॉपर्टी है। उसके अलावा आयल ऑब्टेन फ्रॉम द हरड सीड्स इज यूज्ड टू इम्प्रूव द मोटिलिटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी इसमें मोटिलिटी बढ़ाता है। यदि किसी को बाउल यदि किसी का पास नहीं हो रहा है तो इट प्रमोट्स ईजी रिमूवल ये ऑफ द स्टूल उसका रिमूवल ऑफ द स्टूल के लिए बहुत ही यूजफुल। इन केस ऑफ द क्रॉनिकस यदि किसी को बहुत कब्ज है लंबा काफ़ी समय से तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ये हर्ब है या हर्बल ड्रग है कहेंगे उसको। और इसका जो है वीक डाइजेशन में भी ये बहुत ही इम्प्रूव करता है वीक डाइजेशन को, यानी किसी का पाचन नहीं हो कंस्टिपेशन को मैनेज करता है। और वेट लॉस में भी इसका जो है टू रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी से भी काफ़ी टॉक्सिन्स को हटाता है इसलिए वेट लॉस को भी कंट्रोल करता है। कफ एंड कोल्ड में तो है ही क्योंकि ये जो है कफ बैलेंसिंग इसकी प्रॉपर्टी है। और वीक इम्यूनिटी को भी ये जो है इम्प्रूव करता है। स्किन रिलेटेड डिजीजेस को भी ये जो है काफ़ी क्योंकि इसमें ये ब्लड प्यूरीफाई करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू द पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज़ तो ये काफ़ी यूजफुल दिव्य औषधि मानी गई है। आर्थराइटिस में भी ये हेल्पफुल है टू मैनेज जॉइंट पेन एंड एनहेंस द लॉन्जेविटी ऑफ द टिश्यूज मसल्स एंड बोन्स।
तो ये ड्यू टू द बाथ बैलेंसिंग प्रॉपर्टी। तो बाथ को भी यानी वायु को भी बैलेंस करके रखता है शरीर में करता है, इसलिए ये बहुत ही आर्थराइटिस में भी यूजफुल है। और हरतिकी को जो है आयुर्वेदा में किंग ऑफ द मेडिसिंस कहा गया है, और इसका जो रिसेंट कॉस्मेटोलॉजी में भी बहुत उपयोग, स्टडीज ऑफ द ऑन द स्किन रिलेटेड एंड हेयर रिलेटेड एंड नेल्स 2019 एंड 20 की स्टडी बताते हैं कि इसका स्किन में खास करके एक्सटर्नली स्किन के लिए इसका स्वीट फ्रूट का पाउडर रोज़ वाटर के साथ लेप करके जो है स्किन पर लगाया जाता है तो काफ़ी सैनिंग कर लेता है चेहरे के लिए। और इसी तरह से हेयर्स में भी ये जो है स्केल्स को हटाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ये स्टडी बताती है रिसेंट स्टडीज़ यूजिंग हर हेडा पाउडर। और नील्स में जो खासकर नोटेड एंटी माइक्रोबियल इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके चूर्ण की, तो ये हेल्पफुल है एलिवेटिंग द नेल वेड इन्फेक्शन। जो नेल्स के साइड में जो वेड होती हैं, मतलब जो गड्ढे रहते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन के वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको काफ़ी कंट्रोल करता है। तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन में भी बहुत ही कंट्रोलिंग है। और इसका बॉटनिकली इसका नाम है टर्मिनेलिया चिबुला, बिलोंग्स टू द फैमिली कम्ब्रेटिसी। और यह पौधा जो है एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसकी पत्तियां सेमी अपोजिट टाइप की या सब अपोजिट मीन्स एक एकदम आमने सामने होती हैं लगभग इसकी पत्तियां, और एलिप्टिक और ओवेट शेप में, जिसे अंडाकार जिसको बोलते हैं, ज़्यादा ओबलोंग टाइप की तरह दिख रहे हैं। और ये शुरू में तो थोड़ा हेयरी टाइप की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होते हैं तो इसमें जो है पत्तियां फिर इतनी हेयरी नहीं होती हैं। और इसका फ्रूट जो है फाइव एंगल्ड होता है एकदम से वो वाइट, और इसका ग्लोबस भी होता है, तो इसमें थोड़ा ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस वगैरह। और लगभग एक से और डेढ़ इंच तक का लंबा इसका फ्रूट होता है। तो फ्रूट ही इसका बहुत ही मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसके बाल्स और दर भी सभी पार्ट्स इसका यूज होता है, अगर हेड़ा का पेड़ का जिससे जो ये है हरड़ फल मिलता है, लेकिन फल सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और यह भारत में भारत के सभी हिमालयन ट्रैक्ट में फ्रॉम सतलज ईस्टवर्ड अप टू 5000 फीट तक ये मिलता है। और इसका जो है नेटिव प्लेस इसका यहाँ पे साउथ एशिया का ये प्लांट है, फ्रॉम इंडिया नेपाल ईस्ट टू साउथ वेस्ट चाइना एंड टू साउथ श्रीलंका एंड मलेशिया एंड वियतनाम तक ये मिलता है ये फल इसका, यानी कि ये प्लांट यहाँ पे मिलता है वाइल्ड कंडीशन में। और अभी तो इसकी सप्लाई जो है प्राकृतिक तौर से ही जंगलों से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इसको कल्टीवेशन में इसका लोग जो है इसके सीडलिंग्स तैयार करके इसको फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इसकी कल्टीवेशन में भी इसकी काफ़ी गार्डन्स और जो नर्सरीज होते हैं हर्बल नर्सरी, उसमें भी इसको प्लांट किया जा रहा है। और ये बहुत ही औषधि के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिव्य औषधि का फल माना जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।